लीवर की सूजन है वो दो तरीके से होती है, दो कारणों से होती है। एक तो शरीर में मोटापा बढ़ जाए, फैट बढ़ जाए, कि आप किस तरह की लाइफस्टाइल है आपकी, आपको कोई आईवी ड्रग एब्यूज़ की आदत तो नहीं है, आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर तो नहीं है, कई तरह की बीमारियां हैं। अब हेपेटाइटिस बी और सी और डी में जानने लायक बात यह है, तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है, केवल जानने की बात है। प्रिकॉशंस मैंने बताई हैं, हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो झाड़ा लगवाने वाले इसलिए भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमने झाड़ा लगवाया इसलिए ठीक हो गए, लीवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। आज पूरा विश्व हेपेटाइटिस डे मना रहा है। हेपेटाइटिस नाम सुनते ही कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो जाती है, कभी कभी लोग डर भी जाते हैं, क्योंकि इस हेपेटाइटिस के सोशल मीडिया पे या फिर हम यूं कहें सो कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो आज हर एक आम इंसान में वो लक्षण कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। और ऐसे में लोगों को अगर लगता है तो वो है एक ऐसा डर जो ना जाने उनका क्या कर जाएगा। आखिर क्या है ये हेपेटाइटिस, कितने प्रकार के होते हैं, और क्या वाकई में इनसे डरने की ज़रूरत है या नहीं, और अगर है तो इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या हैं और उनका इलाज क्या है, और क्या वो प्रिकॉशन है जिनके द्वारा या जिनको अपनाकर हम इस हेपेटाइटिस से बच सकते हैं, और हेपेटाइटिस से बचने की जागरूकता के लिए क्या कुछ करें, ये सभी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए आज हम आए हैं डॉक्टर दिनेश द्विवेदी के पास। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता दरबार में। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे को इस बात के लिए अप्रोच किया, और आज का दिन है वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है जागरूकता फैलाने के लिए, और जितना जागरूकता फैलेगी लोगों में उतना ही लोगों को पता रहेगा कि ये बीमारी डरने की नहीं है, ये बीमारी समझने की है और इससे बचाव कैसे करें वो जानने की है। सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये हेपेटाइटिस है क्या, किस वजह से होता है, और क्या हम इसे बचपन में ही इसे क्योर कर सकते हैं या इसके प्रिकॉशन ले सकते हैं, और ये कितने प्रकार का होता है। देखिए हेपेटाइटिस का सीधा सीधा मतलब है लीवर की सूजन। लीवर की सूजन है वो दो तरीके से होती है, दो कारणों से होती है। एक तो शरीर में मोटापा बढ़ जाए, फैट बढ़ जाए, तो उससे लीवर में सूजन होती है, फैटी लीवर कहते हैं उसको। दूसरा वायरस के कारण हो, तो वायरस पांच तरह के वायरस हैं जो कि हेपेटाइटिस या लीवर में सूजन करते हैं, जिनके नाम ए बी सी डी और ई, ऐसे पांच तरह के नाम हैं जो कि पांच प्रकार के वायरस हैं। इसमें हेपेटाइटिस ए और ई, ये दोनों खान पान की और आदतों की वजह से हो सकते हैं, तो उसमें ज़रूरी ये है कि हम ए और ई से बचने के लिए खाने की और पीने की चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी, उनका इंश्योर करें कि या तो हम घर में पका हुआ खाएं या बाहर खाते हैं, तो ये निश्चित करें कि वहाँ साफ़ सफाई से काम हो रहा है, साफ़ सफाई से खाना बनाया जा रहा है। पीने की चीज़ें हैं वो भी रास्ते चलते कहीं से भी अपन पी लेते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कुछ जो कि खुले होते हैं, तो वो नुकसान कर सकते हैं। तो इससे हेपेटाइटिस ए और ई होता है। हेपेटाइटिस ए और ई में लक्षण ये होते हैं कि आपको बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, उल्टी जैसा मन होता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, और धीरे धीरे आँखों में पीलापन आ जाता है, यूरिन में पीलापन आ जाता है। तो ये लक्षण होते हैं जो एक्यूट हेपेटाइटिस के ए और ई के होते हैं। जो बी सी और डी हैं वो खान पान से संबंध नहीं रखते हैं, उनका मुख्य संबंध होता है कि आप किस तरह की लाइफस्टाइल है आपकी, यानी आपको कोई आईवी ड्रग एब्यूज़ की आदत तो नहीं है, आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर तो नहीं है, आपने कोई ब्लड प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, कभी बीमार हुए हैं, कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, तो ब्लड प्रोडक्ट्स जो आपको मिले हैं वो सेफ और अच्छी लैब के हैं या नहीं है। सर मैं आपको बीच में टोकूंगा, ब्लड प्रोडक्ट से आपका क्या मतलब है? ब्लड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मरीजों को जब खून की कमी हो जाती है किसी भी कारण से, ऑपरेशन के बाद या खाने पीने की कमी से खून की कमी हो जाती है, तो एक लिमिट के बाद यानी 8 हीमोग्लोबिन से कम हीमोग्लोबिन हो जाता है, तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो एक तो ये एक्सीडेंट के बाद, ऑपरेशन के बाद या खून की कमी के कारण ये
ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा कई तरह की बीमारियां हैं जिसमें खून की कमी हो जाती है, कैंसर है या और तरह की बीमारियां हैं, या फिर ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं या प्लाज्मा है, तो उसकी कमी के कारण भी हमको उनका उपयोग करना पड़ता है। तो वो ब्लड में से निकाले जाते हैं, तो वो ब्लड बैंक में ये काम होता है। और ब्लड बैंक हैं वो आजकल बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट होती हैं, उसमें पूरी तरह से स्क्रीनिंग होती है, भले वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। तो आजकल ब्लड बैंक के कारण से, ब्लड प्रोडक्ट्स के कारण से ये बीमारी बी सी और डी टाइप की हेपेटाइटिस है वो लगभग ना के बराबर है। लेकिन जिनका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, या जो आईवी ड्रग अब्यूज़र हैं, या जिनको पहले से और बीमारियां हैं, या जिनको माँ से अपनी बीमारी मिली है हेपेटाइटिस बी, तो उन केसेस में हेपेटाइटिस बी सी और डी हो सकती है। अब हेपेटाइटिस बी और सी और डी में जानने लायक बात यह है कि हेपेटाइटिस बी है वो हेपेटाइटिस डी को भी सपोर्ट करती है, यानी हेपेटाइटिस डी है वो अकेली नहीं हो सकती, हेपेटाइटिस बी होगी तो उसके साथ ही हेपेटाइटिस डी हो सकती है। और हेपेटाइटिस बी का आप सरकार को भी धन्यवाद दे सकते हैं, वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद दे सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन है, वो बच्चे के जन्म के टाइम से 4 टीके लगते हैं, वो अगर लगा लेते हैं तो हेपेटाइटिस बी कभी भी नहीं हो सकती उस बच्चे को, भले उसको माँ से वायरस मिला हो तो भी। हेपेटाइटिस सी है, उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस सी टोटली ट्रीटेबल है, मतलब उसके लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे 99% क्योर हो जाता है। तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है, केवल जानने की बात है कि हम ये जानें कि हेपेटाइटिस ए और ई से कैसे बच सकते हैं खान पान का ध्यान रख के, हेपेटाइटिस बी और सी और डी है उसमें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा सकते हैं। अगर आपने बचपन में लगा या नहीं लगा नहीं मालूम है, तो आप जब भी आपको जागरूकता आ जाए उस समय आप 3 टीके लगाएंगे। एडल्ट्स में पहला टीका लगता है, उसके 1 महीने बाद दूसरा लगता है, और 6 महीने बाद तीसरा लगता है। ये तीनों टीके लग सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए तो जो फ्री टीके की लिस्ट है उसमें ये शामिल है, तो उसमें आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा करके ये टीके लगवा सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में ये फ्री लगते हैं, प्राइवेट में लगाएंगे तो मामूली खर्चा होगा। तो टीका अगर हेपेटाइटिस बी का आपने लगा लिया है तो आपको हेपेटाइटिस बी कभी भी नहीं होगी। और जिनको ये पता नहीं है कि टीका लगा या नहीं लगा, तो वो एक बार हेपेटाइटिस बी का अपना टेस्ट करवा सकते हैं। अगर टेस्ट में निगेटिव आते हैं तो भी वो टीका लगा लें, पॉजिटिव आते हैं तो भी टीका लगा लें, दोनों ही स्थितियों में हेपेटाइटिस बी का टीका आपकी रक्षा करता है पूरे जीवन के लिए। सर, ये तो आपने जितने भी प्रकार के हेपेटाइटिस हैं उनके बारे में बता दिया, उनका क्या क्योर है वो आपने बता दिया, लेकिन अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें, जैसे जब हम चर्चा कर रहे थे तब आपने बताया था कि सबसे पहले नंबर पर चाइना है और सेकंड नंबर पर इंडिया, पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द कॉज। तो पॉपुलेशन की वजह से वन ऑफ द कॉज ये हेपेटाइटिस है, उसका क्या कारण है? देखिए, पॉपुलेशन इतना बड़ा कॉज नहीं है जितना बड़ा कॉज हाइजीनिक कंडीशन है। हाइजीनिक कंडीशन है, और जो प्रिकॉशंस मैंने बताई हैं उसमें ज़रूरी ये है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छी हो, आपके सिंगल पार्टनर हो, दूसरा आपका कोई आईवी ड्रग एब्यूज़ की आदत नहीं हो, और ब्लड प्रोडक्ट्स जब भी यूज़ होते हैं उसमें तो आजकल वैसे भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसमें ब्लड बैंक से वो पूरा ध्यान से काम करते हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसका वो फॉलो करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम हमारी लाइफस्टाइल कैसी रखते हैं, जागरूकता कितनी रखते हैं टीके के लिए भी और खान पान के लिए भी। और एक बार मान लीजिए बीमारी हो जाती है तो उस कंडीशन में सभी सरकारी अस्पतालों में इसके इलाज अवेलेबल हैं। अगर बीमारी गंभीर स्थिति में पहुंच रही है तो आपको हायर सेंटर पर रेफ़र कर दिया जाता है,
आप वहाँ जाके इलाज करा सकते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि बीमारी से डरना नहीं है, बीमारी को जानना है और बीमारी से बचना है। सर ये तो रही वो तमाम बातें जिनकी वजह से हम हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। लोग इस हेपेटाइटिस से बचें और जो गंभीर जो परिणाम लीवर को होते हैं उससे बचें, तो जागरूकता को लोगों को बताने के लिए पहले उनकी भ्रांतियां दूर करनी ज़रूरी है। पहली प्रमुख भ्रांति, ज़्यादा शराब पीने से आपका लीवर डैमेज हो सकता है, तो कई लोग इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। हम एक दिन छोड़ के एक दिन या वीक में एक बार या महीने में एक बार या फिर जो बाज़ार में कई प्रचलित दवाइयां हैं, वो भले ही हम कंपनी का नाम नहीं लें लेकिन आप भी उनसे परिचित होंगे कि चलो हम ये लीवर की ये दवाई या ये टॉनिक ले रहे हैं और हम खाना ज़्यादा खा रहे हैं, नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं या ड्रिंक हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो हमें उनका खतरा नहीं है। क्या ये वाकई में सही है? क्या जो मार्केट में ये दवाइयाँ बिक रही हैं, लीवर कैप्सूल है या लीवर टॉनिक है, अगर हम ड्रिंक ज़्यादा कर रहे हैं या नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ हम ले रहे हैं जो हमारे लीवर के लिए अच्छा नहीं है और साथ ही साथ उन दवाइयों का भी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हमें खतरा नहीं है? देखिए, इसमें पूरा खतरा है और हमको समझना चाहिए कि हम कोई भी दवाई लेंगे वो लीवर को कभी प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। लीवर को प्रोटेक्शन केवल टीका दे सकता है या खान पान की शुद्धता दे सकती है या आपकी लाइफस्टाइल की शुद्धता दे सकती है। उतना शुद्धता आपको कोई दवाई काम नहीं आएगी और दवाई जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे वही दवाई उपयोगी रहेगी। इसलिए मेरी राय ये है कि आप हर तरह के नशे से, हर तरह के गलत व्यवहार से और लाइफस्टाइल ख़राब करने से बचें। और यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है जानना कि अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को मोटापा है, तो उनको भी उनको ध्यान देने की ज़रूरत है और उसका रेगुलर इलाज कराना और फिट रहना, यानी नियमित आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, जो भी आपके लिए उचित है आपकी उम्र के अनुसार वो आप करते रहें तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। और हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी निरोगी काया अगर नहीं है तो आपके कितने भी सुख हैं वो आपके लिए बेकार हैं। तो वो ध्यान रखना ज़रूरी है। और जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है उसके लिए आप एक दिन छोड़ के लेते हैं या उसके साथ कोई उसको ठीक करने की दवाई लेते हैं, वो बिल्कुल काम की नहीं है। उससे बचना चाहिए और इस तरह की भ्रांतियों में नहीं आना चाहिए। एक भ्रांति और भी है लोगों को जो मैं बताना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस ए और ई, ये दोनों खान पान के अशुद्धि से होते हैं। तो खान पान की शुद्धि रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये बीमारियाँ हो जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि पीलिया होता है, पेट में दर्द होता है, बुखार आता है, आँखों में पीलापन हो जाता है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें लोग सोचते हैं कि हम झाड़ा लगवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो होता है क्या है कि हेपेटाइटिस ए और ई में तो आप कहीं भी नहीं जाएंगे, कोई भी झाड़ा नहीं लगवाएंगे तो भी आप ठीक हो जाएंगे 15-20 दिन में। तो भ्रांति इसलिए पैदा होती है कि ए और ई हेपेटाइटिस वाले मरीज़ जब झाड़ा लगवाने जाते हैं और फिर 15-20 दिन में वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, तो वो ये समझते हैं कि झाड़ा लगवाने से ठीक हुए। तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है, इससे बचना चाहिए। और हेपेटाइटिस ए और ई है, आप घर में रहें, अच्छा डाइट लें, डॉक्टर की राय से रहें, तो वो अपने आप ही ठीक होगी। झाड़ा नहीं लगवाएंगे तो भी ठीक होगी। तो झाड़ा लगवाने वाले इसलिए भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमने झाड़ा लगवाया इसलिए ठीक हो गए, और उस भ्रम के कारण फिर सीरियस टाइप की हेपेटाइटिस होती है बी या सी या डी, उसमें भी वो झाड़े लगवाते रहते हैं। तो जो झाड़ा लगाने वाला उसको कुछ भी पता नहीं है इस बीमारी के बारे में। ये हमको जानना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमको कोई भी तरह की हेपेटाइटिस है तो डॉक्टर से राय लें, डॉक्टर से इलाज करवाएँ, वही हमारे लिए उचित है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सर आपने पुराणों की बात करी, शास्त्रों की बात करी कि पुराने ज़माने में शास्त्रों में कहा गया पहला सुख निरोगी काया, तो शास्त्रों में या फिर हमारे बड़े बुज़ुर्ग और मेडिकल से जुड़े हुए लोग भी कहते हैं कि हमें कोई भी बीमारी होती है तो हमारी बॉडी सबसे पहले हमें इंडिकेट करती है। तो हेपेटाइटिस के केस में या फिर सीधे शब्दों में कहें लीवर के ख़राब होने के केस में, क्या हमें लीवर किसी भी टाइप से इंडिकेट करता है? अगर करता है तो वो इंडिकेशन क्या है? देखिए, जैसा मैंने बताया हेपेटाइटिस ए और ई, इसमें तो सबसे पहले खाने की इच्छा ख़त्म हो जाती है।
उसके बाद में बुखार होता है, उसके बाद में पेट में दर्द होता है, लूज मोशन या वॉमिटिंग हो जाती है, तो वीकनेस बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास जाते हैं या झाड़े लगाने वाले के पास जाते हैं। झाड़े वाला है वो ए और ई की स्थिति में, तो वो लगाए न लगाए मरीज़ को ठीक होना ही है, लेकिन बी या सी या डी हुई तो उसमें गंभीरता बढ़ जाती है मरीज़ की। और इन बी और सी और डी के कारण से लीवर का कैंसर भी हो सकता है, और लीवर का कैंसर है वो इलाज उसका होता ही नहीं है। तो ये समझना चाहिए और हमको उचित इलाज लेना चाहिए। इंडिकेशन सर आपने बताया था कुछ, जैसे पेट की गोलाई या गर्द, वो क्या चीज़ है? वो एक्चुअली फैट के कारण से, शरीर में कोलेस्ट्रॉल और फैट बढ़ जाने से या मोटापा ज़्यादा होना हो जाने से लीवर के ऊपर जो असर पड़ता है, वो बताया था कि लीवर है उसमें चेंजेज़ आ जाते हैं, जिसको फैटी लीवर चेंजेस कहते हैं। तो फैटी लीवर चेंजेस हो जाते हैं तो उस समय भी कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, लीवर के काम में प्रॉब्लम्स होती हैं, लीवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, तो उससे कई समस्याएं पैदा होती हैं। तो मोटापे से भी बचने की ज़रूरत है हमको। सर ये तो सारी वो तमाम बातें रहें, लेकिन एक अगर लेमैन को हम समझाएं तो कुछ आखिरी के अंदर आप आम लोगों को आप ऐसा क्या आप समझाना चाहेंगे जिससे कि लोगों को सीधे शब्दों में समझ में आ जाए और वो इस चीज़ से बचें, और अगर वो या उनके परिवार का या उनके आसपास का कोई भी जना इस प्रकार के किसी इंडिकेशन से अगर उनको लग रहा है कि वो पीड़ित है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, एक सीधे शब्दों में बिल्कुल। देखिए, जो दो तरह की हेपेटाइटिस वायरस की है उसमें तो पीलिया हो जाता है, पता लग जाता है। बी सी और डी में सिम्टम्स नहीं आते हैं, कईयों को तो लाइफ लॉन्ग नहीं आते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपने अगर बचपन में टीका लगवा रखा है, आपके रिकॉर्ड में है, आपकी जानकारी में है, आपके पेरेंट्स की जानकारी में है, और ये सारी बात बिल्कुल पक्की है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शंका है तो आप एडल्ट होने के बाद भी टीके लगवा सकते हो, जो पहला टीका लगता है उसके बाद एक महीने बाद और उसके बाद छः महीने बाद। तो ये तीन टीके लगा के आप हेपेटाइटिस बी से 100% लगभग बच सकते हो। और हेपेटाइटिस सी है उसका आपको जांच कराने से ही पता लगता है, तो आप जैसे सालाना अपनी टेस्ट कराते हैं उस समय हेपेटाइटिस बी का और सी का करा लें। हेपेटाइटिस डी है वो हेपेटाइटिस बी से डिपेंडेंट है, मतलब वो सैटेलाइट वायरस कहलाता है। तो हेपेटाइटिस बी होती है तभी हेपेटाइटिस डी हो सकती है, उसके हेपेटाइटिस बी के बिना हेपेटाइटिस डी होती ही नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी के लिए टीके अवेलेबल हैं, और फिर भी कोई मरीज़ होता है जो कि टीके नहीं लगवा पाए या उनका पता नहीं चला, और किसी एक स्टेज पे जाके 30 से 50 साल की उम्र में आमतौर पे हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है वो असर डालता है, जिसमें कि थोड़ा सिम्टम्स आते हैं जो कि पीलिया का भी हो सकता है, खाने में भूख नहीं लगना ये भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो फिर डॉक्टर का इलाज लेना सबसे अच्छी बात है जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश द्विवेदी, और साफ तौर पर इनका कहना है कि हेपेटाइटिस से बचने का सबसे पहला और आसान तरीका यह है कि हम प्रिकॉशन लें। प्रिकॉशन भी वो कि हम हमारे खानपान में सावधानी बरतें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, और जो अननेचुरल जो भी चीज़ें हैं, भले ही फिर वो हमारे खानपान की आदतें हों, सेक्स की आदतें हों, या फिर शराब सेवन है, स्मोकिंग है, कोई ऐसी चीज़ जो अननेचुरली आपकी बॉडी का वेट बढ़ा रही है, आपका मोटापा बढ़ा रही है, उन तमाम चीज़ों से बचें। और सबसे बड़ी और सबसे ध्यान देने वाली बात ये, जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं, डॉक्टर द्विवेदी ने भी वही कहा कि रूटीन हमारा अगर हम सुधार लें, हमारे रूटीन में अगर हम एक्सरसाइज को अपना लें, शुद्ध खान पान का ध्यान रखें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, तो इन तमाम चीज़ों से हम बच सकते हैं। और हेपेटाइटिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहा जाता है सावधानी में ही बचाव है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।